वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टेकोविल्स को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेकोविल्स पे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो ये है कि कार खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कार बाइंग को अफेक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं या कार खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे फैक्टर्स से जो कि मैंने अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। सबसे पहला फैक्टर है बजट। जी हाँ दोस्तों, ये वो फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि आप कौन सी कार खरीदेंगे। इसके अंदर मैंने सब सेगमेंट्स बना रखे हैं। अगर आप 5 लाख तक की कार खरीदना चाहते हैं, 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख या 20 लाख से ऊपर, तो 5 लाख वाला जो सेगमेंट है कि आपको 5 लाख तक की कार खरीदनी है, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें इंडिया में हैं। ये वो सेगमेंट है जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स हैं, स्मॉल हैचबैक्स, जो कि फैमिली कार इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। 5 से 10 लाख में अगर हम बात करें तो ये वो सेगमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है आपको कि कौन सी कार खरीदें। इसमें अलग से सब सेगमेंट है। सबसे पहला जो है आपको हैचबैक मिल जाएगा, लाइक स्विफ्ट एंड ऑल दैट। स्विफ्ट हो गया, फोर्ड फ्री स्टाइल हो गया, है ना। उसके बाद आपको हैचबैक में प्रीमियम क्लास में मिल जाएगा आपको i20, बलेनो, जैज और पोलो। इसके बाद आपको मिलता है सीडान, सीडान में हो गया अमेज हो गया, होंडा सिटी हो गया, फोर्ड फिगो एस्पायर हो गया, इटियोस लीवा हो गया। ये सारी कारें हैं जो कि इस सेगमेंट में सीडान क्लास में मिलेंगी। इसके बाद आता है मिनी एसयूवी। जी हाँ दोस्तों, मिनी एसयूवी, इसका कोई बहुत पुराना हिस्ट्री नहीं है इंडिया में, बिल्कुल नई। आई थिंक रिनाल्ड डस्टर ने इसको शुरुआत की थी इसकी, उसके बाद तो मानो इसकी बाढ़ सी आ गई। इस सेगमेंट में आपको क्रेटा, हुंडई वेन्यू, आपकी इको स्पोर्ट, डस्टर, टेरानो, ये सारी कारें हैं जो कि इस सेगमेंट में आती हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कार खरीदनी है। उसके लिए भी मैंने अलग से फिर से कैटेगरी बांट रखी है कि अगर आपके पास बहुत कॉम्पैक्ट सी जगह या सीडी ड्राइव है तो आप हैचबैक का यूज़ कर सकते हैं। हैचबैक कार आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है कि अगर आप सीडान लें तो अगर आपकी ज़्यादा ड्राइविंग है, हाईवे पे भी है, सिटी में भी है, और आपका लगेज भी कैरी करना होता है तो आप सीडान ले सकते हैं। मिनी एसयूवी उस केस में ले अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी सड़कों भी पे चलना है जहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए तो आप मिनी एसयूवी सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, हाईवे पे भी और ऑफ रोड पे भी। तो ये सेगमेंट हो गया 10 लाख तक के अंदर में। इसके बाद आता है सेगमेंट 10 से 15 लाख वाले में। 10 से 15 लाख वाले में आपको आ जाएगा सीडान, हैचबैक, मिनी एसयूवी, एसयूवी, एमपीवी, ये सारे सेगमेंट्स हैं। उसके बाद 15 से 20 लाख में भी सेम आ जाएंगी। 20 से ऊपर में तो मानो बाढ़ से आ गई है, सारी लग्जरी कारें, सारी बड़ी कारें, रियल एसयूवी सब इसमें आती हैं। और अब आपको बात करते हैं कि आप माइलेज पे कितना ध्यान दे रहे हैं, जो दूसरा फैक्टर है मेरा। अगर आप माइलेज की बात करें तो अगर आप छोटी कार लेंगे या जिसकी पावर कम है तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ऐसी कार लेंगे जिसमें पावर बहुत ज़्यादा है तो आपको माइलेज कम मिलेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो सेफ्टी है। आपकी गाड़ी में ABS और EBD तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ एयरबैग भी होना चाहिए। कुछ कारों में आजकल टॉप मॉडल में, जैसे कि इको स्पोर्ट हो गया, i20 होगी, और भी बहुत सारी कारें हैं जिसमें 6 एयरबैग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज 2 एयरबैग तो स्टैंडर्ड है। साथ में ABS और EBD होना ही होना चाहिए। चौथा जो फैक्टर है, पेट्रोल हो या डीजल हो, ये वो फैक्टर है कि आदमी को जरूर कंसिडर करना चाहिए गाड़ी लेने से पहले। या पेट्रोल आप तभी लो अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर से कम है मंथ में, तो आपको पेट्रोल ही लेना चाहिए। आप उससे ज़्यादा पे भी ले सकते हैं, लेकिन डीजल तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है और वो कार में प्राइस में भी 1 लाख के आसपास का डिफरेंस हो जाता है पेट्रोल और डीजल में। अगला फैक्टर है मैनुअल या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट में आपको मिल जाएगी, छोटी 5 लाख वाली सैलरियों में भी मिल जाएगी आपको, स्विफ्ट में भी मिल जाएगी, बड़ी गाड़ियों में तो आ रही है। उसके बाद अगला जो फैक्टर है, रीसेल वैल्यू। कुछ ऐसी कंपनीज, अगर आप मारुति देखें, हुंडई देखें, होंडा देखें, तो आपको इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छी मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसी कार ना खरीदें जिसमें रीसेल वैल्यू ही ना हो और आपको किसी औने पौने भाव पे बेचना पड़े। अगला जो फैक्टर है कि अगर आप कोई ऐसी कार तो नहीं ले रहे कि उसकी ऐसी न्यूज आई है
कि रियल टाइम में आपके कुछ आने वाले दिनों में उसका अपडेटेड वर्जन आने वाला है, तो आपकी कार की जो रीसेल वैल्यू होगी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी और आप भी फील करोगे अभी अभी लिया था, अभी फिर से अपडेट आ गया। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करते हैं। अब इसके अंदर आपका जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब आप देखो अगर बजट की बात करो तो आप डिसाइड करोगे कि आपका पॉकेट अलाउ कितना करता है, और फिर उसके बाद आपको कैसी कार चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो सारे फैक्टर को ध्यान में रख के फिर आप कार बाइंग का डिसीजन लेते हो। तो जब भी आप कार खरीदने जाएं तो मेन रूप से इन 5-6 चीज़ों का जो फैक्टर्स हैं उनका ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला बजट हो गया, दूसरा पेट्रोल या डीजल हो गया, तीसरा माइलेज हो गया, मैनुअल या ऑटोमेटिक, सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं, उसका रीसेल वैल्यू क्या है, और उसका कोई नियर फ्यूचर में कोई अपडेटेड वर्जन तो नहीं आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि मेरा बजट इतना है और मैं कौन सी कार खरीदूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।